क्यों उधर रेट की है आजकल? 320 रुपये। तो चीनी सर? चीनी 120। अच्छा, तो मकई है? जी मकई। तो आटे का की हालात? जी आटा साढ़े कोल माज नहीं रहा, आटा शार्ट होया। जवाब दे देने आटा आ नहीं रहा। फिर ये लोग परेशान फिरते ने? ज़ाहिर लोग परेशान, आटा आ नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ऐ मेहमान ने कहा सर, तुसी कभी लोगों के हालात भी पूछे ने? मैं तो अज हैरान हो गया वहाँ के लोग किवें जी रहे ने, की ते किका दे प्रोग्राम ने साडे, कि जदों तुसी गरीबां दी प्रोग्राम असीं नहीं कर सकते। अज जिहड़े बैठो तुसी, अज चलें जी बैठ जाते, बैठो सर, हालात ते पूछो सर। सर जनाब साडे मेहमान ने खास ने प्रोग्राम करते ने, इन्हों सारे हालात वाकया तो दसो कि गरीबों का की बन रहा है? आटा तुहाडे कोल क्यों मौजूद नहीं? आटा शार्ट हो गया, आटा आ नहीं रहा। नहीं, आटा तो आपके दौर में भी शार्ट रहा है। मौजूद था वो, जब जिस सूरत में भी था मौजूद होता था। तो सर खान साहब ने जरा चीनी के आटे के रेट सारे दसो तो सही। चीनी पहले 70-80 रुपए सी, हुन तकरीबन 100 रुपए टप गई। अच्छा, अब महंगी हो गई। जी महंगी हो गई, पहले जड़ी सी पहले को मंदी सस्ती सी, तकरीबन 55 रुपए 60 रुपए मिलती सी, हुन तकरीबन 100 रुपए हो गई। ये नून लीग वालों की वजह से तो नहीं आप कह रहे कि पहले दौर में सस्ती थी? नहीं नहीं, नवाज शरीफ पंजाब का शेर है जी, जो है ऐसे जिंदाबाद सब कुछ। ये मेरे कहने नाल है कि वैसे ही नहीं, तुहाडा तुसी चलो जी अख्तर साहब आपसे बात करते हैं। सर क्या कर रहे हैं यहां पे? क्या करें सर, आप लोगों के हालात में यही बातें करता हूं कि मैं तो शायद अपने मतलब के लिए कोई और बात भी करता हूं, मगर आवाम से इन दुकानदारों से इनके हालात ये आपको ओरिजिनल बता सकते हैं सर, कि इनके हालात क्या हैं, ये किस कितना कमा के लाए हैं और कितना बेचारा बेच के जा रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों की, इनके बच्चों को पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, इनसे पूछें। नहीं तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि ये जो महंगाई है ये पिछले दौर वाले लोगों की गलती थी और उसका सिला हमें मिला। पिछला दौर पहले तो महीने चला रहा सी, फिर 6 महीने बाद ख़त्म हो रहा सी, फिर साल बाद ख़त्म हो रहा सी, 3 साल तो गुजर चुके हैं और 5 साल बाद भी ये पिछला दौर ख़त्म होगा कि नहीं? ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये कुछ अरसे के लिए है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने तो सर कहा था कि 90 दिन में तब्दीली लाऊंगा, फिर 3 महीने में तब्दीली, फिर 6 महीने में तब्दीली, फिर साल में तब्दीली। अरसे की एक मियाद दे दें सर, कि ताकि हमें पता लग जाए, वो कमिटमेंट हो, वो इस तरह ना हो कि सुबह एक अल्फाज के और शाम को चेंज हो जाए। बाकी सर मैं कह समझता हूँ कि आप इन दुकानदारों से, जनाब भाईजान जी सर इधर तो आए, आप हमारे मेहमान साहब को ये बताएंगे कि पहले आपकी सेल क्या थी, आज सेल क्या है? पहले सेल 10-12 हज़ार से 4-4.5 हज़ार। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह चीज़ें बहुत महंगी है, लोग लेते नहीं है। नहीं कोरोना भी तो है ना, कोरोना की आफत। नहीं कोरोना लोग खाते तो है ना, कोरोना तो है, लेकिन लोगों ने तो खाना है सर। ये इसमें काम चल रही है, चावल रोजमर्रा की चीजें, काम ये चीनी आटा ये सब रोजमर्रा की वो चीजें जो जरूरियात जिंदगी की है, जो सुबह से लेकर शाम तक हर चीज के बगैर गुजारा हो सकता है मगर खाने के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन आप इधर तशरीफ लाए ना अख्तर साहब, आपके दौर में भी तो महंगाई होती थी, ऐसा नहीं है? मैं नहीं, मैं तो अपनी शायद दौर की महंगाई कम बता दूं, मगर ये आवाम काफी आ चुकी है सर, आप सामने भी देखें काफी लोग आ चुके हैं आपको देखकर, तो इनसे पूछ सकते हैं सर। आपको लोग क्या गिला करते हैं? आप हल्के में आए हुए हैं, अपने हल्के में बैठे हुए हैं, क्या गिला हमें करते? गिला ये करते हैं कि खुदारा आपकी हुकूमत कब दोबारा आएगी, और हम लोगों से कहते हैं कि यार खुद दुआएं करें और खुद ये जमहूरियत को आप चेंज कर सकते हैं, ये वोट बदल सकता है। अब तो हम लोगों की तरफ लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कब होगा। अफसर बादशाह साहब आपका हल्का देखते हैं आपके साथ, अख्तर बादशाह साहब आपके हल्के में तो बड़ा बुरा हाल है, क्या तरक्याती काम रुके हुए हैं? साफ जाहिर है जी, अपोजिशन में वरना यहाँ सफाइयाँ होती थी, यहाँ काम होते थे और ये सड़कें बनी हुई हैं, मगर उसके बाद ना यहाँ सीवरेज के काम हुए, ना यहाँ पानी की कोई सफाई करने आया। ये हमारे चेयरमैन साथ हैं, सारा कुछ बुरा हाल है। आपको पता ही है कि लाहौर शहर में जो गलियां जगमगाया करती थी, सफाई सुथराई थी, आज आप देखते हैं कि वो गंदगी का
ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ, बीमारियां फैल रही हैं। तो आपसे इस हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, तो उस दौर में क्या तरक्याती काम हुआ? जब यह हुकूमत थी तो आप देख रहे हैं कि सड़कें बनी हुई हैं, शहबाज शरीफ का हलका रहा है, राणा मुबशर साहब ने भी यहाँ बहुत काम किए हैं, तो यहाँ लोगों को शिकायत का मौका ही नहीं मिला कभी। मगर अब शिकायतें हैं कि लोग सिर्फ हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार कोई सफाई वाला तो आ जाए, कोई हमारे गटर साफ़ करवा दे, कोई नालियाँ साफ। मगर हम इस चीज़ से आ रही हैं कि इस हुकूमत को पहली दफ़ा देखा कि किसी भी, हालांकि हल्के के काम हैं ये, यहाँ के लोगों के मसाइल के लिए सरकारी मुलाज़मीन और आवाम बैठी हुई है, मगर वो पता नहीं हमारे फ़ोन करने का कितना उनको नुकसान होता है, पता नहीं कितना उनके वोट बैंक बढ़ता है, जो यहाँ लोगों को भी सिर्फ काम के लिए नहीं भेजते। चलो फिर इस साइड से हम चलते हैं। अच्छा बादशाह साहब, अगर ये यही हाल रहा तो फिर अगले इलेक्शन में आपकी कामयाबी मुश्किल ही हो जाएगी। नहीं नहीं सर, हमारे काम तो लोग हमारे दौर को तो याद करते हैं कि ये तब्दीली का जो दौर आया है, और जो इमरान खान तब्दीली के नारे लगाया करता था, ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारा पंजाब तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है, नाले, बीमारियाँ और गटर खुले हुए हैं, और बुज़दार साहब की मेहनत आपको नज़र आ रही है कि बुज़दार नज़र आ रहा है कि वाकई शहबाज शरीफ प्लस है। वो जमहूरियत उसको कहते हैं जहाँ वोटों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये वोटों की गिनती अगर आप देखेंगे तो यूनाबाद की बहुत बड़ी गिनती है, बहुत बड़ी तादाद है। मसल कर इनका कसूर यह है कि इन्होंने वोट नवाज शरीफ को डाला है और ये इस चीज़ की सजा भुगत रहे हैं। तो सर ये आप बेहतर, कैमरे की आंख हमसे ज़्यादा वो अच्छा देखती है, अच्छा दिखाती है, और ये नज़र आ रहा है कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी दुकानों के सामने, रोज़गार कोई नहीं है। देखें ये आलम है बेरोज़गारी का कि ये दुकानों पर बैठे तो हैं, मगर परेशानी का आलम यह है कि कहीं कारोबार, कहीं इस बाज़ार में झुरमट हुआ करता था सर कारोबार का, मगर आज यहाँ झुरमट है पानी का, गंदगी का, लोगों की बदहाली का, परेशानी का। बकाया ये लोगों से खुद पूछें, मैं तो खुद इसका तजिया नहीं कर सकता, मगर लोग बेहतर बता सकते हैं कि उनका क्या हाल है। माँ दस क्या जेड़े सब्जी ले किन्ने दी ली पहले किन्ने दी आँदी सी ₹20 सब्जी भी कुछ नहीं खाली नींबू तो मिर्चा ले आने नवाज शरीफ को। आपने किसको वोट डाला था? नवाज शरीफ ने। यही इनका कसूर है। थैंक यू वेरी मच। जी ये क्या आपको कोई महंगाई नज़र आती है? आप यहाँ दुकान पे चीज़ें खरीदने आई हैं, अपने घरेलू हालात बताएं, अपने घर के क्या आजकल क्या हालात है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें, हमने तो ऐसे मांग के ही खाना है ना। बस ये है कि यूनाबाद वाले मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरी कदर करते हैं, इस वजह से मुझे दे देते हैं, मैं अपना घर चला लेती हूँ। अच्छा आप ये बताएं कि हुकूमत पहले वाली अच्छी थी कि अब वाली अच्छी? पहले वाली मैनू अज आया पंजाबी च दसन लगी हूँ सीरियस, 13,000 रुपया बिल। मैं टिकटॉक बनानी हाँ, ठीक है, मैं बिल दे अगे रख के टिकटॉक बनाई कि इमरान खान 13,000 रुपया मैनू बिल आ गया है, मैं 13,000 रुपया हुकूमत नू दवा कि मैं अपना घर चलावा, तो उन्हें मेरे टिकटॉक आई डी बंद कर दी उन्हें पैरों से। अगर वाम तिकर गल जाएगी नहीं, दो अमीरां तिकर या गरीबां तिकर साड़ी गल जाएगी नहीं, तो साड़ी सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। तो नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या कौन सा दौर? संत नवाज शरीफ का दौर अच्छा लगता सी। यूसी 245 और 246 जोहानाबाद के मरकजी दफ्तर पहुंचे। कारकुनान के साथ तंजीमी मामलात पर बातचीत की।
अख्तर हुसैन साहब, आपका ताल्लुक म्यो बरादरी से है और आपके हलके में कितनी आपकी बरादरी है? मेरी बरादरी तो इसमें तकरीबन 20% हो, क्योंकि वैसे पूरे हल्के में ओवरऑल में बरादरी काफ़ी है, मगर मेरे हल्के में जो सबसे बड़ी बरादरी है वो क्रिश्चियन बरादरी। अच्छा, एक आपकी ज़ुबान बड़ी मखसूस होती है जिसको मवाती ज़ुबान कहा जाता है। आप कोई नवाज शरीफ साहब को पैगाम दें अपनी ज़ुबान में तो किस तरह से बोलें? बेसिकली तौर पर तो मैं ये बता दूँ कि मेरी बरादरी टोटल शुरू से हम महाजर हैं, इंडिया से जब आए तो मुस्लिम लीग कायद आज़म के साथ है। ठीक है, एक भी मेवाती ऐसा नहीं मिलेगा कि जो यहाँ का रहायशी था, ठीक वो है। टोटल माइग्रेट होकर आए और मुस्लिम लीग की खातिर आए, इसलिए जहाँ कहीं भी देखेंगे, मैं 1-4% की तो बात नहीं कर सकता, मगर मेजोरिटी तकरीबन 90% मेरी बरादरी में बरादरी जो नवाज शरीफ के साथ है, और मियाँ साहब मेरी ज़ुबान को समझते भी हैं, तो मैं कहता हूँ मियाँ साहब के साथ मेरी बरादरी को ऐसा रिश्तों है कि वो वबा के साथ मजबूत खड़ा भी रहे हैं, और आज तक अगर मेरी बरादरी की कोई निस्बत है तो नवाज शरीफ के साथ है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के साथ ही वाकई वाबस्ती रहेगी। अच्छा अख्तर साहब, आप बादशाह सलामत हैं? सर ये है, आप शायद प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते हैं ना, बेसिकली मुझे नाम खुद भी ये ऑकवर्ड सा लगता है, मगर जिस नाम से आप मशहूर हो जाएं वो चल जाता है। ये प्राइमरी में मेरा नाम, वो तख्तियां हम दिखाया करते थे, तो वो उस वजह से वो बादशाह नाम डल गया, और उसी से लोग उस वजह से अभी तक वही पुकार रहे हैं। मतलब क्या बादशाह वाली आप में कोई आदतें तो होंगी, कोई मतलब ऐसे क्या करते हैं आप? क्या आदतें सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बादशाह की जिम्मेदारी वो जिम्मेदारियाँ हैं जो नवाज शरीफ ने निभाई, हम उन जिम्मेदारियों के नज़दीक से नहीं गुजर सकते, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। आवाम का बोझ होता है, और बादशाह की जिम्मेदारी इतनी होती है कि आप उसके जवाबदेह होना और अल्लाह के आगे सुरखरू होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हर किसी को कामयाब फरमाए और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी उम्र कितनी है और शादी कितनी है? मेरी सर 46 में हूँ इस वक्त, 5/10/75 मेरी तारीख पैदाइश है, शादी एक ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर शादी मेरी अर्ली एज में, हमारी बरादरी में, जहाँ भी कहीं आप इसको क्वेश्चन को पूछेंगे, जहाँ भी कहीं मेरी बरादरी में बैठेंगे, शायद आपके यार भी होंगे, मगर उनकी शादी बहुत अर्ली एज में, मैं 18 साल का नहीं था मेरी शादी हुई। तो फिटनेस का राज क्या है, इतना खूब आप रहते हैं और लगते नहीं हैं आप 45 के या 46 के भी आप हैं? एक तो फिजीक ही ऐसी है कुदरती, इसमें कोई मेरा कमाल कमी है कि कुदरती जिस्मानी थोड़ा सा मैं कमज़ोर सा ही हूँ। दूसरा, मैं वॉक जितनी भी जहाँ तक भी हो उसके लिए टाइम मुकर्रर नहीं है, जहाँ भी टाइम मिले, मैं अमूमन लिफ्ट हो तो मैं लिफ्ट से नहीं जाता, सीढ़ियों से चलता हूँ। तो तालीम कितनी आपने और कहाँ से हासिल? तालीम सर मेरी मैट्रिक है और एफए तक गया, मगर मैं एफए के इम्तिहान में दी। तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती जब पंजाब असेंबली में आप जाते हैं? तालीम एक ऐसी चीज़ है सर जिसकी कमज़ोरी हर वक्त हर जगह पर आपको महसूस होती रहती है, मगर ये लोगों की मेहरबानी है, उनका प्यार है कि उनके अंदर उनके दरमियान रह के जब उन्हीं के जैसे रहते हो, क्योंकि हमारा मुआशरा इतना पढ़ा लिखा भी है नहीं, मगर कोशिश करते हैं कि उनके मियार पे उनके जैसे रह के पूरे उतरें, तो इसलिए महसूस कम होता है। जब यहाँ आ जाते हैं लोगों में तो फिर महसूस कम होता है, जब असेंबली में जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा महसूस। अख्तर साहब, हमें बताएं कि कौन कौन हमारे साथ है, तारुफ़ करवाइए। मेरे वाल साहब हैं जी। अच्छा, जिनका भी आप जिक्र भी कर हाँ जी, मुअज्ज़िन मस्जिद के, और इनकी दुआएं हैं बाप की माँ की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये बड़े बेटे हैं, ये मेरे छोटे बेटे हैं फरहान अख्तर। अच्छा। जिनकी मंगनी में शहबाज शरीफ साहब भी आए थे। अच्छा। ये मेरे कज़न हैं अहमद रज़ा साहब, आरफ साहब भी कज़न है। ठीक है। हाँ जी, तो खाने में क्या आपकी जमात के तो बड़े खाने मशहूर हैं और खाबे लाहौर के, तो आपको क्या? बेसिकली हमारी जो म्यू बरादरी की खाने में बिल्कुल सादा है। सादा क्या? सादा साग, और वो हमारी रबड़ी बहुत मशहूर होती थी, लस्सी सुबह सुबह, और दूध का शाम को दूध से रोटी खा लेनी, मगर गोश्त भी कभी भुनवा हुआ नहीं,
शोरबे वाली हांडी, देसी मुर्गी, देसी घी, सादा गिजाएँ, क्योंकि हमारे मेवात में कोई ऐसा घर नहीं जिनकी भैंसें वगैरह और दूध वगैरह और ज़मीनें वगैरह ना हो। तो वैसे फिर आपको महसूस तो नहीं होता होगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि खाने तो आप सादे खाते हैं। अगर तो आप उस सादगी में रहें, पहले तो हम वाकई महसूस नहीं होता था कि घी भी जो भैंसों का होता था अपना, और वो वाकई महसूस नहीं होता था कि सब्ज़ियाँ भी घर की होती थी, सारा कुछ होता था। मगर जब से लाहौर में आए हैं, जब इन हालातों को देखते हैं सारा कुछ, फिर जितनी महंगाई लाहौर में महसूस होती है, और खसूसन जब आप किसी किराएदार के पास चले जाएं, ये इंटरव्यू जब लोग महंगाई का क्वेश्चन करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन उनसे करना चाहिए जिनका किराए का मकान है। अच्छा, आपका क्या कारोबार है, कैसे सियासत में तो बड़ी? सर मेरा कोई कारोबार तो बस थोड़ा बहुत ही है, कुछ भैंसे वैसे हैं कुछ, वैसे मेरे बाप का कोई वैसे बाल साहब का रेंट आ जाता है, उससे गुजारा हो जाता है, और मकूल इनकम, कोई मतवस्त तबके से ताल्लुक है, और कोई सियासत में तो बड़े पैसे खर्च होते हैं, इलेक्शन लड़ना हो हल्के में तो कोई शक नहीं इसमें। मगर मेरी बरादरी, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे ताल्लुकात ऐसे थे कि ये सब लोगों को मेरे हल्के में भी आया है कि मेरे साथ 60-60, 70-70, 80-80 गाड़ियाँ चलती थी, जिनमें मेरी सिर्फ एक ही होती थी, और मैं सुबह उठता था तो सड़कें मेरे बैनरों से भरी होती थी, और जब मैं रास्ते में जा रहा होता था, कोई मुझे 2 लाख, कोई 5 लाख, इस तरह पैसे आते थे जिस तरह कोई बारिश हो रही। क्या वजह है कि लोग ऐसे, हर सियासतदान यही कहता है कि मेरे दोस्त हैं वो पैसे खर्च आप करते हैं। ये देखेंगे तो वो बाद में फिर कोई काम शाम तो नहीं करवाते हैं आप? नहीं, मेरी बरादरी का एक तो यहाँ टोटल जो ये डिफेंस है, जितनी भी ये ज़मीनें हैं, ये सारी मेरी बरादरी की सेल। ठीक है, तो काम मेरी बरादरी के काम ऐसे हैं ही नहीं, इतनी एडवांस वो है ही नहीं कि फिर मैं समझता हूँ कि काम क्या करवाते हैं और अपोजिशन में क्या काम करवाना है। मैं तो पहली दफ़ा अपोजिशन में MP हुआ, तो मैं तो काम करने के आप बेहतर समझते हैं कि क्या हम काम कर सकते हैं किसी का। चलिए जी, हमजा साहब से बात करते हैं। हमजा साहब, आप क्या करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटी होती हैं, वालिद साहब को हेल्प करते हैं सियासत में? सर मैं बस घर के छोटे मोटे मामलात होते हैं, और छोटी मोटी कॉल्स जो वाले साहब मिस करते थे वो मैं उठा लेता हूँ फिर। अच्छा, लोगों की मतलब लोग तो फिर गिला शिकवा ही आजकल तो करते हैं ना, काम नहीं होता। नहीं सर, नहीं सर, ये फिर भी काम कर देते हैं, ये वकील हैं, लाग आपको पता वकील की कॉल सुन लेते हैं, MP जी को सुने ना सुने, वकील की जरूर सुन लेते। अच्छा जी, क्या बता रहे थे आप? सर बस ये नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, लोग सिर्फ हमसे आजकल डिमांड ही लोगों की ये है कि हमसे मेल मिलाप रखें, खुशियां गमियों में शरीक हों ज़्यादा, और छोटे मोटे काम हैं वासा के हो गए, वापडा के हो गए, वो हम कोशिश करते हैं, तो कुछ अच्छे ऑफिसर बैठे हैं, काम कर भी देते हैं। अगर तो उन्हें पता ना हो कि नून लीग वालों का काम है, बस वो हम ऐसे करते हैं ना, जहाँ SDO का काम है लाइन सुप्रिटेंडेंट से करवा लें, जहाँ SHO काम है सब इंस्पेक्टर से करा लें, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते ना, नीचे से ही काम करवा लेते हैं। कोशिश ही चल रही है ना सर, अपोजिशन में बाहर हुआ तो मामला आता है। फरहान साहब, आप बताइए कि आपकी मंगनी पे शबाशी साहब आए थे और रिंग उन्होंने आपको पहनाई थी? जी जी, उन्होंने पहनाई। तो वो लड़की से क्यों नहीं पहनवाई आपने? ये हमारी असल में ना, हम थोड़े कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, तो मेवाती जो बरादरी है ये भी पुराने ख्यालात के अभी लोग हैं, तो अभी वैसे भी जो है ना लड़की या लड़के को सामने नहीं बैठाते यार, तो ज़ाहिर है एक रवायत है। हाँ। उनकी पासदारी जरूरी होती। तो कोई उन्होंने तोहफा भी दिया था शबाशी साहब ने आपको, कोई सलामी वगैरह कुछ? नहीं, उनका आना ही एक तोहफा था। अख्तर साहब, मेरा ख्याल है आप वालदा से आपको डांट डपट बड़ी होती है, और अभी पिटाई भी हो जाती है। मगर आज शायद पिटाई से मैं बच जाऊं क्योंकि आपके साथ हूं, वरना वालदा बहुत सख्ती करती है हमारे किसी भी चीज़ पे, जिस तरह माँ बाप का हक। मेरा बाप अब तक मुझे इस तरह, जिस तरह मैंने उनको कई दफ़ा कहा कि मैं बाबा बच्ची बच्चा नहीं रहा हूँ, मगर उनके लिए तो बच्चे ही हैं ना। तो आज कोशिश कर लें अगर आपको मार पड़ जाए। आज वालदा, आज आपके साथ जा रहा हूँ, आज मेरे ऊपर रहम होगा, और बस उनसे कहता हूँ कि प्यार दें और मैं जाऊँ।
अपने दफ्तर पहुंचे और दोस्तों से मुलाकात की। अख्तर हुसैन साहब, हम आए आपके हलके में, ये किसका डेरा है, यहाँ पे आपने दरबार लगाया हुआ है, बादशाह बन के बैठे हैं? सर मलक आशिक पट्टियों का डेरा है और ये मेरा गांव बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ ही है। नवाज शरीफ के लिए इनका दिल धड़कता है और मेरा भी, साफ जाहिर है, जिनके लिए नवाज शरीफ का दिल धड़कता है मेरा भी दिल इनके लिए। मैं इसी तरह चार पाइयों पर बैठा होता हूँ, इसी तरह इनसे गप्पे लगाता हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अच्छा, आपका वैसे कौन से ग्रुप के साथ ताल्लुक है? मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप है ना, एक ग्रुप है हमजा का और एक है मरियम नवाज का। तक सर ये ग्रुपिंग चलाऊँ, आज तक बनाते सके नहीं अपा, तो ग्रुपिंग कदों तक चलती रहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ग्रुप बनाते बनाते मुझसे गुजर चुकी हैं, ना ये ग्रुप बन सकता है ना कुछ। नून लीग जिंदाबाद एक ही ग्रुप है, बकाया ये अफवाहें हैं, ये चलती रहती हैं, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, ये मीडिया की बातें हैं, मीडिया में रहने दे। आपको पहली दफा टिकट मिला नून लीग का, कैसे, किसकी सिफारिश पे? वो सर एक शेर था हफीज जलंधरी का, इनको कोई शायर नहीं मानता था, मगर इन्होंने जब कौमी तराना लिखा ना, तो फिर हफीज जलंधरी से कहा कि हफीज जलंधरी अपने बारे में भी कहो, तो उसने कहा हफीज अहले जुबां कहां मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं मैं। कारकुन को सर ये अल्लाह की ज़ात है, मेरी पार्टी है, अल्लाह ने इज्जत देनी थी और मेरी इस पार्टी में शमूलियत थी, मेरे भाइयों की, मेरे ताल्लुकदारों की, उन्होंने फिर मेरा इलेक्शन लड़ा। बहरहाल ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मेहरबानी है। आपकी सबसे पहले सिफारिश किसने की कि आप लाहौर में इतने मुतहरक हैं? आपने कहा आप कारकुन थे, तो किसने सिफारिश की जो ऊपर तक आपकी बात मानी गई या आपके काम को तस्लीम किया गया? मैं सर मुशरफ दौर में जेलें काटी हुई हैं, शहबाज शरीफ जब आए तो मैं एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ, जब नवाज शरीफ साहब मौजूद आए थे तो मैं नश्तर थाना 780 तक, अब बताएं कि मैं दहशतगर्द हूँ? जब आप गिरफ्तार हुए तो क्या हुआ था ये तो बताएं। सर मैं ऑन दी रोड जा रहा था, मियां मरगूब और ये रमज़ान सदीक भट्टी साहब, हम इनसे मिलकर आए, तो जब हम वापसी पे आ रहे हैं तो थाना नश्तर के सामने पुलिस खड़ी और गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद थाने ले गए। वो अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि जाते ही हमारे पर 780 लगा दी और जमानत हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने गिरफ्तारी शुरू कर दी, मैं चुनिया चला गया ज़मीन पर। आप देखें शेख साहब, चुनिया जब गए तो मेरे बाप को इन्होंने गिरफ्तार किया और मेरे बाप को चुनिया लेके जा रहे हैं, 6 गाड़ियों में गए चुनिया तक। वहाँ से जब मुझे लेके आए वापस तो मुझसे एक ऐसे जो कहता है बादशाह साहब बड़े मामे खां पार्टी दे बनते जे, अज तुहाडे कोल पार्टी छुड़ा देनी है। अच्छा, मैं क्या आपके पास इख्तियारात कहाँ से आ गए कि आप पार्टी छुड़ाएंगे? मैंने कहा ये मजाक कर रहा है। और मुझसे जनाब रात के जब 2 बजे तो मेरे साथ मेरे गाँव के बंदे 750 में बंद थे और कुछ सियासी कारकुन बंद थे, मुझे रात के 2 बजे अकेले को निकाला गया। जी पार्टी छोड़नी है कि नहीं आपने? मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मगर फिर
मैंने देखा कि वो SHO बड़ा सीरियस है, उसने आके कुर्सी लगा ली, टांग पे टांग रख ली, लिटा दो इसको। मैं कहा फिर भी मजाक ही कर रहे हैं। उन्हें कहा जनाब मैं तेन कह दिया कि लम्बे पा दो। मैंने कहा अब शायद ये लिटा के वैसे ही उठा देंगे। उन्हें जनाब एक थानेदार ने कहा कि चलो तशद्दुद करो। उस थानेदार ने बेचारे ने कहा भी यार मैं नहीं कर सकता, मैं बादशाह साहब को जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। उन्हें कहा तेरे नाल तो मैं दोबारा गल करांगा, एक हवालदार ने बुला लिया। अज मैं उस वक्त शेख साहब अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मेरे गाँव के बंद हैं, कोई मेरी आवाज़ वो सुना नहीं। वो पता नहीं कुदरत खुदा की थी, मैं जनवन दुआएं भी मांग रहा था। देखो किससे मार बर्दाश्त होती, उन्होंने एक मारी, दो मारी, तीन मारी, चार पांच मार के वो जाने लगा। वो मेरी जुबान से गुस्से में निकल गया कि मैंने कहा यार मना के जाना सी तुमसे, पार्टी छिड़ा के जानी थी। उन्होंने फिर दोबारा छितर मारे, छितर ओरिजिनल मेरे जिस्म पर, मुझसे चांट बर्दाश्त नहीं होती। मगर मैंने कहा यार ये तो यही बात हुई, कल को आप आज पार्टी छुड़वा रहे हैं, कल आप कहेंगे जमीनें भी अपनी मेरे नाम कर दें। तो असल बात यह है कि उस वक्त मैंने ये सोचा था कि पुलिस बदमाश भी बनाती है, लोगों की हेजिटेशन ख़त्म कर देती है, हिचकिचाहट ख़त्म कर देती है, कि जब आपको गुस्सा आ जाए तो फिर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सर सबका नाजिम ज़िक्रिया यामीन के डेरे पर पहुंचे। कारकुनान के साथ मीटिंग की, यूसी 243 मलिक ताहिर अवान चेयरमैन और राणा राशिद वाइस चेयरमैन से मुलाकात करने पहुंचे। सीनियर मुस्लिम लीग रहनुमा शबीर अहमद उस्मानी की रहायशगाह पर मुलाकात के लिए पहुंचे। अख्तर हुसैन बादशाह साहब पंजाब असेंबली में जाते हुए आपको 3 बरस हो गए, कोई मजे का वाकया तो सुनाए। मजे का वाकया लड़ाई झगड़े के अलावा कोई नज़र आया तो आप बता दें। एक्टिविटीज़ आज तक कोई सेक्टरी वहाँ मौजूद नहीं है किसी भी महकमे का, और यहाँ तक के परवेज़ इलाही 2-4 दफ़ा इतने गुस्से में आए हैं और अमल दरामद उसका होता हुआ नज़र नहीं आया। और जब आपके डिप्टी सेक्टरी को एक पुलिस वाला वज़ीर आला हाउस रोक दे, डिप्टी स्पीकर को, तो फिर क्या इससे बड़ी जग हसाई क्या होगी। फरदोस आशिक अवान को भी तो रोक लिया था ये आपके सामने। फरदोस आशिक अवान की तो बेचारी की को, चलो वो तो एक इलेक्टेड मेंबर नहीं है, एक आम मेंबर है, मगर वैसे ऐसे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, कुछ भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अख्तर साहब सियासत में खुशामद बहुत की जाती है, कारकुन जानते हैं कि ये गलत कहा जा रहा है लेकिन फिर भी लबबैक कहते हैं, खुशामद का ऐसा अमल क्यों होता है। जिसके तौर पर प्रैक्टिकली चीजें जब होंगी
जब आपके काम हो रहे होंगे, जब आप लोगों के काम कर रहे होंगे, तो खुशामद ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली हमने परवान जो चढ़ाया है थाना कल्चर को, इसकी वजह से आज भी लोगों के मसाइल हल नहीं होते, फिर वो खुशामद करने पर मजबूर होते हैं। किसी भी मसाइल जो भी महकमे बैठे हैं, अगर वो लोगों के हल कर रहे हों जो वो आवाम के लिए बनाए गए हैं, उन महकमों में हल नहीं होता लोगों, तो वो सियासतदानों को आके वो बनाते हैं कि शायद सियासतदानों की वजह से हमारा हल हो जाए। वो फिर हर बंदा पुलिस के लिए हो चाहे किसी नौकरी के लिए हो, वो हर बंदा सियासतदान के खुश आमद कर रहा होता है। मगर ये वक्त गुजर चुका है जब कभी MP MLA को कोटे मिला करते थे, और कोटों के ज़रिए आप देखें कि नौकरियों के 10-10, 20-20 हर बंदे को नौकरियां मिला करती थी, फिर MP MLA उनको लगवाया करते थे, तो फिर लोग खुश आमद करते थे। अब वो दौर चेंज हो चुका है, वडेरों का, जागीरदारों का, सरदारों का। सियासत में अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी सियासतदान को क्या करना पड़ता है? अमल करना पड़ता है, अमल से सियासत, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की खुशी गमियों में जाना पड़ता है, उनके लिए प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं। लोग अगर मुंसलिक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा महंगाई से होते हैं, आपके डॉलर से होते हैं, जो आपने बड़ी बड़ी बातें की थी उन्हीं की वजह से तो इमरान खान के लोग चक्रों में आए थे कि पता नहीं ये क्या ख्वाब दिखाएगा, ये सुबह उठेगा और शाम को क्या काम कर देगा। मगर वो टोटल झूठ साबित हुआ, और झूठ से घर भी तबाह होते हैं, मुल्क तो बड़ी दूर की बात है, मुल्क के लिए झूठ जितने बोले हैं उतने हम नीचे गए। एक सियासतदानों की बड़ी ख़ास वीडियो वायरल होती है और उसमें बड़े मशहूर हो जाते हैं, कभी आपका दिल नहीं चाहा कि कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जिससे आप भी मशहूर हों? कभी मोटर बाइक पर बैठ के आप शहर का चक्कर लगा रहे हों जैसे शेख रशीद साहब ने किया था? शेख साहब, ये चीज़ें अब इन चीज़ों से लोग बाहर निकल गए हैं, लोग प्रैक्टिकली जानते हैं कि शेख साहब क्या हैं, अख्तर बादशाह साहब क्या हैं, उस्मानी साहब क्या हैं, शेख साहब क्या हैं। जब वो निकलते हैं तो उनकी बनावटी चीज़ों की भी समझ आती है और उनके प्रैक्टिकल होने की भी समझ आती है। अब भी इन चीज़ों से वो दौर चले गए जब लोग बनावटी चीज़ें और अपने वो दिखाते थे टशन वशन, अब उनका दौर नहीं रहा। और जहाँ तक ये वीडियो वायरल होने की बात है, हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा वायरल कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सारी घर घर में मोबाइल है, मगर हम उन नेगेटिव चीज़ों को इस तरह वायरल करते हैं कि पता नहीं। और पूरी दुनिया में ये निजी ज़िंदगी है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप पॉजिटिव को तो डिस्कस नहीं करते और नेगेटिव को इस तरह लेके चलते हैं कि पता नहीं कौन सा पहाड़, जबकि उससे आम आदमी का कोई वास्ता नहीं होता, कोई उससे ताल्लुक़ नहीं होता, उससे लोगों के घर नहीं चल रहे होते उन बातों से, मगर वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती। कभी किसी सियासतदान की बात बुरी लगी हो और फ़ोन करके या मिल के उसको कहा हो कि आपने ये अच्छा नहीं किया? आपकी बर्दाश्त होनी चाहिए, पॉजिटिव सुने, नेगेटिव को इग्नोर कर दें तो सारा काम चल जाता है। आप क्रॉस क्वेश्चन या उसका जवाब देना मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। बुलावल भुट्टो साहब कैसे लगते हैं? ठीक है, अपनी जमात में बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी जमात है, उनका अपना एक विज़न है, उनका अपना एक काम है, उनका ठीक है जहाँ तक वो हैं। अब आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं कि उनका काम ऐसा है कि वो सिंध तक महदूद होकर रह गए हैं, और वो दिन ब दिन जमात जो एक पूरे पाकिस्तान की जमात थी, अब जितनी जमात रह गई ये सब लोगों को पता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से दोस्ती है किसी से? ये मेरी चाहे ईगो लगा लें जो मर्जी समझ लें, मेरी दोस्ती मेरी। सियासत के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? फिल्में देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं? ये फिल्में, गाने पुराने जो है वो तो अच्छे लगते हैं, शायरी अच्छी हो जिसमें, अल्फाज अच्छे हों। रफ़ी लता वो तो एक खूबसूरत चीज़ थी, खूबसूरत शायरी थी, वो आज भी सुनते हैं, पुरानी फिल्में भी देखते हैं, मगर अब वाली फिल्में कुछ समझ से बाहर हैं। पुरानी फिल्मों का शौक़ भी था, पसंद करते थे। कौन से फनकार पसंद थे? मुझे ये रफ़ी और लता म्यूज़िक में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद। सुल्तान भाई आपको पसंद नहीं थे? नहीं, इनमें मुनव्वर ज़रीफ़, रंगीला, अच्छा, इनकी अच्छी फिल्में थीं, अच्छी अदाकारी थी, अल्फाज पता लगता था खुद ही बयान कर रहे हैं तो ज़्यादा। तो कभी बचपन में सिनेमा घरों में जाके फिल्में देखा करते थे? हाँ। स्टूडेंट दौर में कौन सी फिल्म देखी, कुछ याद है, कोई वाक़या बताएं? मैंने वैसे तो ये हीर रांझा फिल्म और उसका मुझे वो मुनव्वर ज़रीफ़ के जो कुदरती डायलॉग निकलते थे वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, उनकी फनकारी, उनकी अदाकारी, वो नेचुरल थी।
शेख साहब शब्बीर अहमद उस्मानी साहब बड़े भाई भी हैं, मेरे फर्स्ट कज़न भी हैं और रिलेटिव को आपको मैंने बताया था कि उस्मानी साहब के साथ ही शहबाज शरीफ गए थे, बेटी की मंगनी की थी मेरे बेटे के साथ, और पूरे हलके का शहबाज शरीफ का NA 32 और उनका हलका तो देखते ही देखते हैं, मेरा तो टोटल मैनेजमेंट ही जो है इनके पास ही है। शहबाज शरीफ तो चलो इनका ताल्लुक अच्छा है सारा वो देखते ही हैं, मगर मेरे हलके को भी टोटल मैनेज यही करते हैं। उस्मानी साहब मैंने देखी तस्वीर आपकी मौलाना तारक जमील साहब के साथ भी हैं और आपके साहबजादे की तस्वीरें भी हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, तो क्या कोई न्याजबंदी इनके साथ है, क्या है ताल्लुक? मेरा कोई 30 साल से मौलाना तारक जमील साहब से ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है, उनके साथ 30 साल से हूँ। अच्छा, मौलाना तारक जमील साहब पहले नवाज शरीफ साहब से मिलने जाया करते थे जाती उम्रा, तो आजकल वो इमरान खान साहब से मुलाकातें उनकी ज़्यादा होती हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं, सवाल आपका मुश्किल है। तो मौलाना 92 से बादशाहों को मिल रहे हैं, जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं उन सबको मिले हैं, तकरीबन मैं भी काफ़ी सालों को उनके साथ मिला हूँ इमरान खान के अलावा। तो वो तो सिर्फ दीन की दावत के लिए उनको जाते हैं, दीन की दावत देने के लिए जाते हैं, कोई अपना ज़ाती कोई मकसद तो है नहीं, तो वो हुकमरान तक भी बात पहुँचानी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पहुँचाने तक उन तक जाते हैं।